किसानों के वालों 6 दिसंबर नूं दिल्ली कूच दा ऐलान किया गया है। दस दे कि किसान जथेबंदियां ने ऐलान किया, उन्हां किसानों ने जड़ा है 6 दिसंबर दी तरीक दा ऐलान कर दिता है। शंभू मोर्चे तो अगे कूच करनगे किसान। उन्हां कहा कि असीं 9 महीने तो चुप बैठे हां, सरकार ने कोई गलबात नहीं की, कोर्ट दे ऑर्डर दे बावजूद भी बॉर्डर नहीं खोलिया गया। माला शंभू बॉर्डर को बंद हुए 9 महीनों से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी राहत की बात ये आई है कि शंभू बॉर्डर तक जाने का जो रास्ता है वो टोल तक खोल दिया गया है, ताकि जो ट्रैफिक है वो शहर के अंदर ना जाए और शहर से बाहर ही बाहर उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाए। वो जो ट्रैफिक है वो टोल कट तक आएगी और यहाँ से यू टर्न लेकर उन्हें NH 44 की तरफ जो है जाना होगा। और जो लोग रास्ते अख्तियार कर रहे थे इससे पहले पंजाब जाने के लिए या चंडीगढ़ जाने के लिए, उन्हें उन्हीं रास्तों से जाना होगा। NH 44 की बात की जाए तो एक रास्ता चंडीगढ़ की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता हिसार रोड की तरफ जाता है, और इसके जो आसपास के गांव हैं, इंटीरियर गांव हैं, उनका रास्तों का इस्तेमाल करके लोगों को यहाँ से जो है पंजाब की तरफ जाना और आना करना होगा। लेकिन राहत की बात अंबाला के लिए या वाहन जो बाहर से आते हैं उनके लिए ये रहेगी कि लोग जो है शहर की अंदर की जो ट्रैफिक है उससे दो चार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो बाहर से ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आती थी तो उन्हें अंबाला शहर के अंदर से होकर गुजरना पड़ता था, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना अंबाला के लोगों को भी करना पड़ रहा था, और जो लोग बाहर से आते थे उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा समय जो है ट्रैफिक के चलते यहाँ पर बिताना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ता था। तो घंटों का सफ़र है वो काफ़ी कम होगा। हालांकि अभी शंभू बॉर्डर नहीं खुला है, हम यहाँ मौजूद हैं टोल के नज़दीक। ये टोल है, इससे पहले बैरिगेटिंग की गई है, उसके आगे का जो है बॉर्डर बनाया गया है, एक तरह की जो पक्की बैरिगेटिंग जो है पुलिस के द्वारा की गई थी वो उसी तरीके से है। उससे आगे किसान पंजाब की तरफ बैठे हुए हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो कमेटी का गठन किया गया है। वो कमेटी कोशिश कर रही है कि किसानों के साथ और प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर, हरियाणा पंजाब की सरकार के साथ तालमेल बिठाकर इस रास्ते को खोला जाए, लेकिन अभी तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। शंभू बॉर्डर अभी बंद है, वो कब तक खुलेगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन राहत की बात यह है कि लोगों को अब बीच के रास्तों का इस्तेमाल ना करके चंडीगढ़ और NH 44 का इस्तेमाल करके जो है पंजाब से आना जाना आसानी से कर सकेंगे लोग। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़, हरियाणा, अंबाला। हाँ, देखिए जिस तरह से पहले हमने एक बड़ा ऐलान किया था, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अमर अनशन पर बैठ रहे हैं 26 को, फिर दोनों फोरमों ने मिलके सभी बातों का ध्यान में रखते हुए उनके 10 दिन बाद हम लोग दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं शंभू बॉर्डर से। तो ये आज हमने शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का ऐलान किया, वो जथों के रूप में होगा। जथों की संख्या क्या होगी ये आने वाले समय में आपको बताएंगे। कह लीजिए जैसे शहीदी जथे होते हैं, अपने आप को सरकार के सामने समर्पित करना, या तो हमें सरकार दिल्ली जाने देगी, अगर दिल्ली जाने दे तो अच्छा है, क्योंकि हमने रामलीला ग्राउंड और जंतर मंतर की जगह की मांग कर रखी है। और अगर सरकार जुल्म करेगी तो पूरे देश दुनिया के लोग देखेंगे। आशा तो हम ऐसी करेंगे कि हमें या तो दिल्ली जाने दिया गया या सरकार बातचीत करके हमारे मसलों का हल करेगी। किस तरह से जाएंगे, पैदल जाएंगे, ट्रैक्टर से जाएंगे? नहीं, अभी देखो व्हीकल कोई नहीं होगा हमारे साथ, पहला हमारी प्रायोरिटी है। आगे आने वाले समय में कोई और रणनीति बनेगी तो हम बता देंगे। व्हीकल नहीं होगा फर्स्ट जतों के साथ, इसकी डिटेल हम आने वाले समय में बताएंगे। जितने भी किसान मजदूर जो मोर्चों में जत्थों में जाना चाहते हैं वो 30 नवंबर से हम लोग रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे सबके, तो वो आके वो अपने नाम लिखाएं कौन कौन जत्थे में शामिल होता है, तो हम लोग उसके बारे में फैसला करेंगे। पूरी घोषणा करके आधार कार्ड सब कुछ देख के भी को पीसफुली सारा हमारा काम। कमेटी बनाई थी, उसमें तो आपको भी बुलाया गया था, आप गए नहीं? देखे नहीं, हमारे साथ ही गए थे। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में कुछ भी मिलने मुलने वाला है नहीं है ना, कुछ उसमें लेना। सरकार पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करें।